नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री, जो कि टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना के बाद से भारत में रोड सेफ्टी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ये क्वेश्चन मार्क है या एक तरह से ये एक चिंता का विषय बन गया है। आज के सेशन में इसी के बारे में हम बात करेंगे। वी कैन सी द न्यूज़ हेडलाइंस हियर, इन्हीं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। साइरस मिस्त्री, जिन्होंने सक्सीड किया था रतन टाटा को एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, लेकिन बाद में ही वॉज लाइक काइंड ऑफ आउस्टेड फ्रॉम दी पोजिशन फॉर सर्टन रीजन्स, उसमें नहीं जाते हैं। उनकी मृत्यु हो गई कार एक्सीडेंट में महाराष्ट्र के पालघर में संडे को। ही वॉज 54 ईयर्स ऑफ एज। उनकी जो आयु थी केवल 54 वर्ष थी। अगर मैं बात करूँ वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करे तो ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम गुजरात टू मुंबई अपनी मर्सिडीज़ कार में, ठीक है। इनकी मृत्यु की न्यूज़ आने के बाद से बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे कंडोलेंसेस दी हैं। और यहाँ पर एक तरह से ये भी कहा गया है कि हाउ मिस्टर साइरस मिस्त्री वॉज काइंड ऑफ अ प्रॉमिसिंग बिजनेस मैन, एक बहुत बड़े बिजनेस लीडर भी थे भारत के लिए, और वो हमेशा भारत को प्रोग्रेसिव देखने की तरफ उनका ध्यान रहता था और वो ये काम करना भी चाहते थे, ऐसा स्टेटमेंट निर्मला सीतारमन जी ने भी दिया। ऐसे बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पर इस तरह की मैसेजेस देखने को मिले इसके बाद। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो होगी रोड सेफ्टी को लेकर। ऑल्सो विल टॉक अबाउट NCRB's रिपोर्ट, जिसमें कि डेथ नंबर्स, दो दी एक्सीडेंट्स हैव रिड्यूस्ड, हाईवेज पर जो एक्सीडेंट है उनका नंबर ज़रूर घटा है लेकिन डेथ रेट बढ़ गया है, मतलब कि सीवियरिटी ऑफ दी एक्सीडेंट हैज़ इंक्रीज्ड, जिसे डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। Unacademy 1 has already been launched now. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Pathfinder के टेलीग्राम चैनल पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ND Live 10 पर भी फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। Unacademy ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10। चलिए बात करते हैं ग्लोबल रोड सेफ्टी बॉडी IRF की। IRF ने आफ्टर दिस इंसिडेंट एक तरह से अर्ज किया है कि जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं हाईवेज पे उनको रिमूव करने की आवश्यकता है, जिसके लिए दिस ग्लोबल रोड सेफ्टी बॉडी इंटरनेशनल रोड फेडरेशन IRF ने जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको इमीडिएटली रेमेडियल एक्शन लेने के लिए कहा है, ताकि वो रिमूव कर सकें इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स को भी हाईवेज पे, ताकि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। यहाँ पर IRF ने कहा है कि वी अर्ज द यूनियन एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट, जो भी केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं उन सभी को अर्ज किया गया, उनको ये कहा गया है कि आप जो भी पॉसिबल एफर्ट लगेंगे वो लीजिए, ताकि रोड सेफ्टी कल्चर में कुछ बदलाव लाया जा सके, साथ साथ एक क्लियर रोड सेफ्टी नॉर्म्स को भी इस्टेब्लिश किया जा सके, ऐसा कहा गया है बाय IRF। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भी ग्लोबल एजेंसीज इन्वॉल्व है रोड सेफ्टी में, ग्लोबल एजेंसीज इन द रोड सेफ्टी, वैश्विक स्तर पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी एजेंसीज हैं जो इस संदर्भ में काम करती हैं, जो इसके लिए पॉलिसीज़ वगैरह की बात करती हैं, उन्होंने ब्लेम किया है लैक ऑफ पॉलिसीज़ और इन्फोर्समेंट को, मतलब पॉलिसीज़ उतनी नहीं हैं जिस तरह की होनी चाहिए और साथ में इन्फोर्समेंट भी नहीं है। ये देखा गया एक मुख्य कारण जिसकी वजह से भारत में रोड फेटलिटीज़ बढ़ रही हैं हर साल। सो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि भारत इज़ ऑल्सो सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशंस डेकेड्स ऑफ एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी। एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी का जो डेकेड है यूनाइटेड नेशंस का 2020 का, उसको भी भारत ने साइन किया है, जिसमें जो उद्देश्य रखा गया है वो रखा गया है कि रोड फेटलिटीज़ जो है, जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु दर है, मृत्यु होती है, उनको 50% तक घटाया जाए बाय 2030, इन 10 सालों में। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ जो कंसर्न का मुद्दा है या इशू है वो ये है कि इट इज़ नॉट ओनली द रोड इंजीनियरिंग, मतलब सड़कें कैसी बनी हैं, हाईवे का कैसे निर्माण किया गया है, उसमें सब चीज़ों का ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया, ये तो एक कंसर्न है ही ग्लोबली ग्लोबल एजेंसीज का। दूसरा एक कंसर्न है दी व्हीकल इंजीनियरिंग, जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं उनमें जो क्षमताएं हैं, जो उनमें पोटेंशियल है टू प्रोटेक्ट दी पैसेंजर्स, वो भी यहाँ पर देखने को कम मिल रहा है, जो कि एक कंसर्न है, चाहे कोई कितनी भी एक्सपेंसिव SUV क्यों ना हो। जैसे अगर हम साइरस मिस्त्री की बात करें तो ही वॉज ट्रैवलिंग विद हिज मर्सिडीज़, इट वॉज लाइक बहुत अच्छी गाड़ी लेकर जा रहे थे वो, इट वॉज़ अ लग्जूरियस कार जिसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि इतनी एक्सपेंसिव SUVs के बावजूद भी वो फेल हो रहे हैं टू सेव द पैसेंजर्स, उनमें सेफ्टी मेजर्स कम है, इनके बारे में भी बात की गई है। नाउ वॉट कैन बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड सेफ्टी मेजर दैट हैज़ टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू IRF? देर आर 5 E's
पांच ई हैं जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, वी हैव टू फॉलो, या हमें एक रोड सेफ्टी के लिए पॉलिसीज़ बनानी है या उसके लिए कोई भी हमें चीज़ें करनी है. व्हाट आर द फाइव ईज? सबसे पहला है एजुकेशन. लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, नंबर वन. नंबर टू इज़ रोड इंजीनियरिंग. सड़कें किस तरह से बन रही हैं, जिस तरह से देश में हाईवे की संख्या बढ़ती जा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली फैटलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या सड़कों के निर्माण के समय कैसी क्या चीज़ें बदलने की आवश्यकता है जिससे रोड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ किया जा सके, कम किया जा सके. तीसरा है व्हीकल इंजीनियरिंग. जो भी व्हीकल चल रहे हैं सड़कों पे, उनके कितने सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं उनमें, या कौन से प्रावधान किए जाते हैं. जैसे कि इस केस में स्पेसिफिकली एयरबैग्स का एक इशू निकल कर आया, सीट बेल्ट्स का एक इशू निकल कर आया, जिसके बाद इफ़ यू रिमेंबर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी ये कहा है, महिंद्रा जी ने भी कहा है कि सीट बेल्ट लगाएंगे चाहे वो पिछली सीट पर भी क्यों ना बैठे हों. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली समझने की और देखने की ज़रूरत है, और ये व्हीकल इंजीनियरिंग में इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि कैसे इससे हम रिस्क को या फैटलिटीज़ को या एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ कर सके. उसके बाद है इन्फोर्समेंट्स. ठीक है, पॉलिसीज़ बना दी, लॉज बना दी, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ ऑफ नो यूज़. सो ऐसे में अगर रोड सेफ्टी की हम बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफ द पॉलिसीज़ एंड द रूल्स इज असेंशियली लाइक वेरी वेरी असेंशियल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और पाँचवा आता है आपका इमरजेंसी केयर. चलिए, ये तो हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स. अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद इमरजेंसी केयर किस तरह से दी जा रही है, कितनी जल्दी दी जा रही है, किस तरह से बचाया जा रहा है व्यक्ति को, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू रोड सेफ्टी. सो अगर मैं डेटा की बात करूँ, भारत की स्पेसिफिकली बात करूँ, तो इंडिया कम्स इट्स लाइक अकाउंट्स फॉर मोर देन 11% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 11% भारत में होते हैं, जिसमें 426 जिंदगियां, लाइव्स आर लॉस्ट एवरी डे. 426 लोग अपनी जान गंवा देते हैं हर दिन, विच मीन्स 18 पीपल एवरी आवर डाई इन रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया. अगर 2021 की बात करें तो 1.6 लाख लाइव्स वर लॉस्ट इन ईयर 2021, और अधिकतर ये जो रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं जहां पर लोगों की जाने गई हैं, 1.6 लाख लाइव्स हैव बीन लॉस्ट. ये एक्सीडेंट्स ऐसे थे, अधिकतर इनमें ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है. मतलब इफ़ पीपल फॉलो दी नॉर्म्स एंड दी रूल्स, कुछ बेसिक नियम हैं उनको फॉलो किया जाए, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाए, अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से की जाए और सही पॉलिसी, सही लॉज को लाया जाए, तो ये रिड्यूस किया जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है. इसमें से अधिकतर एक्सीडेंट्स वो थे जिनको अवॉइड किया जा सकता था. हाई स्पीडिंग हो सकता है, ओवरटेकिंग हो सकता है. जैसे साइरस मिस्त्री की अगर गाड़ी की हम बात करें, तो इट वॉज ओवरटेकिंग फ्रॉम द रोड रॉन्ग साइड, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. सो ऐसे चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. एंड दिस इज़ फॉर एवरीबडी हु ड्राइव्स, हु ट्रैवल्स ऑन रोड. ऑब्वियसली सभी लोग चलते हैं ना, प्लीज़ ध्यान रखें कि आप ओवर स्पीड नहीं हो रहे हैं, आप फ़ोन पर बात नहीं कर रहे हैं, यू नॉट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग. इन बहुत बेसिक सीट बेल्ट आपने पहनी हुई है, आप जो भी स्पीड लिमिट है उसको आप ध्यान में लेकर चल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि यू नॉट रेसिंग. इट्स ऑलवेज गुड टू यू नो बी 2 मिनट्स लेट देन नेवर रीच द प्लेस. सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग, तभी अवॉइड किए जा सकते हैं एक्सीडेंट्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज़ कलेक्टेड बाय NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, देर आर अराउंड 1.5 लाख डेथ्स, 1.5 लाख मृत्यु होती हैं भारत में सड़कों पर हर साल, जिसमें से 1/3 जो मृत्यु होती हैं वो होती हैं नेशनल हाईवेज पर, NH पर. यहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट्स का डेटा है 2017 से 2021 के बीच में कंपैरिजन है. तो अगर ओवरऑल रोड एक्सीडेंट्स की बात की जाए तो 4.5 लाख के आसपास रोड एक्सीडेंट्स थे 2017 में, जो कि घटकर लगभग 4 लाख के आसपास आ गया नंबर. नाउ एक्सीडेंट्स तो रिड्यूस हुए हैं, लेकिन अगर हम डेथ्स पर नज़र डालेंगे तो 2017 में 1.5 लाख, 2021 में 1,55,000 के आसपास ही आंकड़ा है. मतलब एक्सीडेंट तो कम हुए हैं लेकिन फेटलिटीज़ बढ़ गई हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि सिवियरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग. जो एक्सीडेंट्स हैं वो ज़्यादा सिवियर हैं, उनमें फेटलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं. ठीक है, अब अगर नेशनल हाईवे के एक्सीडेंट्स की बात करें तो 2017 में जहाँ 1,30,000 के आसपास, 1,31,000 के आसपास थे, वहीं अगेन एक्सीडेंट्स घटकर 1,22,000 के आसपास पहुँच गए. नाउ एक्सीडेंट अगेन हैव रिड्यूस हियर, लेकिन यहाँ पर भी जो डेथ टोल है वो इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि सिवियरिटी बढ़ गई है. अगर डेथ्स पर 100 किलोमीटर की बात करें नेशनल हाईवेज पे, तो 2017 में कोई डेथ नहीं दिखाई है, नॉट एप्लीकेबल दिखा रखा है आंकड़ा. हाँ, ये थोड़ा सा नंबर घट के 44 से 40 ज़रूर हुआ है पिछले 4-5 सालों में, हर 100 किलोमीटर पर जो मृत्यु दर है उसकी अगर मैं बात करूँ तो दिस आई हैव टोल्ड यू.
ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, अगर साल दर साल हम हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स की बात करें कि जिस तरह से वो बढ़ रहा है, वो कौन सा समय है जब रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं? द टाइम इज़ बिटवीन 6 PM एंड 9 PM, और इसमें महीने भी बताए हैं जनवरी एंड दिसंबर इन द गिवन ईयर। हर साल जनवरी और दिसंबर में 6 से 9 के बीच में मृत्यु एक्सीडेंट ज़्यादा हुए हैं, जिसमें डेथ ज़्यादा हुई हैं। रीज़न जो दिया गया अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इज पुअर विजिबिलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि ये ठंड का समय होता है तो बहुत सारे एरियाज़ में फॉग आ जाता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। और दिल्ली जयपुर हाईवे हो या इस तरह के जो हाईवेज़ हैं, DND है, दिल्ली नोएडा जो हाईवेज़ हैं, जो रोड्स बनी हुई हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, बैक टू बैक क्लैशेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर गाड़ियों के। तो ये एक प्रमुख कारण बताया गया। तो इन सब चीज़ों में किस तरह की लाइट का इस्तेमाल होना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और कुछ सीरियस गाइडलाइंस लाने की ज़रूरत है बाय द गवर्नमेंट, एंड नॉट जस्ट लाने की ज़रूरत है, उनको इन्फोर्स करने की भी आवश्यकता है। अगर स्टेट वाइज हम बात करें ट्रैफिक एक्सीडेंट की, तो लार्जेस्ट इंक्रीज जो देखा गया है इन 5 राज्यों में देखा गया है 2020 और 2021 के मध्य में, सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया तमिलनाडु में रोड एक्सीडेंट्स या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के, जहाँ पर 46,000 से बढ़कर 57,000 तक नंबर चला गया, मतलब 11,000 से के आसपास के केसेस बढ़े हैं। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड केरला। सो दीज आर द 5 स्टेट जहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे गए हैं। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ ये भी आई है कि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा हाईवेज़ पर, उनके लिए कुछ काम किया जाएगा, दैट विल बी कवरिंग इन द लेटर सेशंस। सो बिफोर वी जस्ट एंड अप दिस सेशन, वाइंड अप दिस सेशन, इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़, इंटरनेशनल अगर बात करूँ तो डायना हेडन, प्रिंसेस डायना, उसके बाद पॉल वॉकर फास्ट एंड फ्यूरियस के जो लेजेंडरी एक्टर थे, वो हमारे यहाँ पे लॉट ऑफ पीपल, यू नो जसपाल भट्टी, ये ऐसे लोग हैं, अभिनव साइरस मिस्त्री, ये ऐसे लोग हैं जिनकी जाने रोड एक्सीडेंट्स में गई हैं, विच कैन बी अवॉइडेड, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ हैपन्ड। नाउ थिंग्स हैव टू बी टेकन लाइक रियली सीरियसली अक्रॉस द ग्लोब रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, और इसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी हैं। इन द कॉमेंट सेक्शन गिव मी द नेम ऑफ दैट इंटरनेशनल अग्रीमेंट जिसका भारत भी सिग्नेटरी है, एक तो वही हो गया यूनाइटेड नेशंस का डेकेड प्लान जो है, इसके अलावा और कौन से रोड सेफ्टी को लेकर, ग्लोबल रोड सेफ्टी को लेकर अग्रीमेंट्स हैं या यू नो कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उसके बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो चलिए, नाउ अनअकैडमी से जुड़ने के बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों? अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको देता है वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी प्रोड्यूसिंग। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ट्रिक इज सिंपल, यू हैव टू गो ऑन दी प्लेटफॉर्म, यू हैव टू जस्ट, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, वहाँ पर आपको रेफरल कोड मांगा जाएगा, जस्ट हैव टू पुट माय रेफरल कोड ND Live 10 टू अवेल द डिस्काउंट। यू कैन यूज़ दिस डिस्काउंट फॉर, यहाँ पर आपको यूज़ करना है, जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ND Live 10 आपको यूज़ करना है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है विद 0% EMI, आप ये भी अवेल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। बैचेस हमारे 8 सितंबर से शुरू हो रहे हैं 2023-2024 दोनों के लिए, अभी जाइए एनरोल कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम 11 सितंबर वी आर स्टार्टिंग विद मेन्स टेस्ट सीरीज 2023, जिसमें आपको ना केवल 30 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, फुल सेक्शनल और एसेज, बल्कि फीडबैक भी मिलेगा, हाई क्वालिटी मॉडल आंसर्स मिलेंगे, इस तरह की सभी चीज़ें मिलेंगी, अभी जाकर एनरोल कीजिए। द कोड दैट यू हैव टू यूज इज ND Live 10। नाउ व्हाई दिस कोड मैम, ये कोड क्यों यूज़ करें? देखिए, कोई भी कोड आप यूज़ करेंगे सबसे आपको डिस्काउंट सेम ही मिलेगा। इस कोड का बेनिफिट ये है कि आई विल बी देयर टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन थ्रू एंड थ्रू, सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड ND Live 10। That's it from my side. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. And take care. God bless you. Please follow road safety rules. Thank you so much.